क्वेश्चन नंबर 47, इसके अंदर आपको मध्य ज्ञात करनी, इसके लिए कुछ हमें चेंज नहीं करने हैं, तो कुल समय कितने हैं ये तो ले रखा है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, कितने परसेंट कहाँ लगे हुए किसके, इन 1300 के परसेंटेज दे रखे हैं। जैसे अगर ये एक है तो मतलब 1300 कितना होता है 13 समय, अगर ये मान लो 4 है तो हो जाएंगे 13 चौक 52, 3 है तो हो जाएंगे 13 39, ये परसेंटेज दे रखे हैं और श्रमिक आपके ये दे रहे हैं। इसने पहला काम तो ये किया कि जो भी 1100 से अधिक कमाता था ये वाला इस पूरे पार्ट को हटा दिया, यानी कि जो 1100 किलोमीटर से दूर रहते थे तो ये दे रखा है यार्ड, ये डिस्टेंस दे रखा है, जो 1100 से अधिक दूर रहते थे उनको क्या ले आए, पास लेके आए थोड़ा बहुत, और कहाँ लेके आए पास में, ये वाले पूरे पूरे ट्रांसफर कर दिए इसने इसमें, कितने 3 और 1 4 5 6 और कितना हो गए 7% इसमें क्या कर लिया इसने ऐड कर लिया। दूसरा इसने कुछ नए नए ऐड किए, जब 100 तो किसमें ऐड किए इसने, इसमें तो किए 100 ऐड, इसमें किए हैं कितने 200 ऐड, और इसमें कितने किए हैं 100 ऐड और कर लिए इस लाइन, इससे अब क्या बनाएंगे, हम नया ग्रुप बनाएंगे और नई क्या निकालेंगे, हम फ्रिक्वेंसी बार निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे ग्रुप, इसने ये सारे के सारे यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब ग्रुप आपके यहाँ तक ही बनेगा 1100 तक, तो क्या आएगा आपके 0 से हो जाएगा 100, 100 से हो जाएगा 200, 200 से 300, 300 से हो जाएगा 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से हो जाएगा 700, 700 से 800, 800 से 900, और 900 से हो जाएगा 1000, और 1000 से 1100, क्योंकि यहाँ तक ही, इसके आगे वाले सब क्या कर दिए, तो नजदीक ले तो ये वाला है नहीं दूर वाले। अब है फ्रीक्वेंसी, देखो ये परसेंटेज लिखा हुआ है क्या, सब परसेंटेज, यहाँ कोई चीज नहीं, 1% ही है किसका 1300 को लेना है, तो 1300 लिखने कितना हो गया आपके, ये हो गए 13, फिर से 1% 13, फिर से 1% 13, फिर यहाँ 3% है तो कितना हो जाएगा 39, यहाँ पर देखो चीज, यहाँ पर 4% पहले था ही, कितना था 4%, 13 चौक कितना हो गए 52, तो यहाँ थे ही, और नए कितने आ गए 100 नए आ गए, 400 500 में कितने नए आए 100 नए आए, इसको लिख सकते हैं हम कितना 152, कितना लिखेंगे इसमें 152, मतलब पहले कितने थे, पहले थे 1300 का 4% 52, ये हो जाएगा 52, और नए कितना है 100, तो ये हो जाएंगे आपके 152, फिर है आपके 10% तो यहाँ था, और जो 7% जो यहाँ लिखा हुआ है 3 4 5 6 7, ये यहाँ आ गए, अब बताओ कुल परसेंटेज कितना हो गए 17%, 17 × 1300 ये होता है 221 प्लस नए कौन से वाला है 200 नए आ गए, तो 200 नए आ गए तो बताओ अब ये कितने हो गए आपके 421, कितने हो गए 421, फिर 600 700 कितना दे रखा है 22% तो ऑलरेडी पहले दे रखा है, 22 × 1300 का परसेंटेज 286 तो पहले का ही दे रखा है, ये परसेंटेज है इसका। अब नए कितने आए बताओ 100 नए आए, तो बताओ कितने हो गए, ये हो गए 386, फिर ये 24% है, 1300 का 24% ये दे रखा है 312, फिर है 1300 का 18% ये हो गया है 234, फिर 1300 का 5% 13×65, फिर 1300 का 4% 52। अब कर लेंगे हम CF, सबसे पहले क्या आएगा, अब देखो ये नए आए पुराने कितने हैं 1300, नए कितना है 400, कुल कितने हो जाएंगे 1700, तो ये जो जोड़ है वो कितनी है 1700। CF से भी देख लेंगे 13 और 13 26 और 13
39 और 39 78, अब 78 प्लस 152 ये हो गया है 230, प्लस 421 ये हो गया है 651, प्लस 386 ये आ गया है 1037, प्लस 312 ये आ गया 1349, प्लस 234 ये आ गया है 1583, प्लस का 65 ये आ गया 1648, प्लस 52 ये हो गया 1700। बस अब क्वेश्चन कैसा हो गया जैसे पहले था स्टार्ट में 30 साल में पहले क्वेश्चन था उनके हो गया। पहले हम याद करेंगे छोटा है फॉर्मूला क्या है एन बटा दो 1700 बटा दो कितने हो गए 850 वां पद। ये पद कहाँ आएगा सी एफ में देखेंगे तो ये आता है इन दोनों के बीच में तो ये वाला ग्रुप ये ग्रुप हो जाएगा ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगी आपके सी एफ। हम याद करो फॉर्मूला क्या है याद करने का एल वन प्लस आई बटा एफ छोटा एम माइनस सी। एल वन 600 अंतर कितने का है 100 का फ्रीक्वेंसी कितनी है 386 एम कितना है छोटा एम 350 और सी एफ कितना है जस्ट ऊपर वाले 651 बस 100 को गुणा करते पहले ये करो 850 में से गए 651 को गुणा करेंगे 100 से भाग देंगे 386 का और लाख में जोड़ देंगे 600 ये आ जाएगा आपके 651.55।